हेलो गाइस, मेरा नाम है नितिन सिंह एंड वेलकम बैक टू दिस वीडियो ऑफ इंडियन एविएशन जॉब्स। लास्ट मैंने जो वीडियो बनाई थी वो अकाशा एयर की रिक्रूटमेंट की बनाई थी, जिसमें कैबिन क्रू, ग्राउंड स्टाफ और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की उसमें रिक्रूटमेंट आई हुई है अकाशा एयर में। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उसी वीडियो के साथ बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, जिसमें से कि मैं उन कुछ को आंसर करने जा रहा हूं। और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो कैबिन क्रू के रिक्रूटमेंट है उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हाइट, वेट एट्सेट्रा एट्सेट्रा क्या है, और आप उसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्या आप एक फिट कैंडिडेट हो कि नहीं हो। उसके पहले गाइज मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। नॉर्मली मैं पहले इंडिया में होता था, बट एक महीने से मैं अभी इंडिया में नहीं हूँ और अभी मैं क्रूज शिप पे काम कर रहा हूँ, जहाँ पर कि इंटरनेट बहुत लिमिटेड होता है और मुझे वीडियोस अपलोड करने के लिए, सोशल मीडिया ब्राउज करने के लिए आई हैव टू बाय इंटरनेट। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। तो जैसा कि मैंने बताया, बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हो रहे थे, तो उन सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए मेरा नैतिक जिम्मेदारी और कर्तव्य है कि मैं उन सभी को आंसर करूँ। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैबिन क्रू की हाइट, वेट, क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी, सैलरी एंड ऑल। सो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है इंडियन नेशनल होना। अगर आप एक इंडियन नेशनल हो और आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड और वैलिड पासपोर्ट है, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। हमारे कुछ दोस्त हैं जो कि नेपाल वगैरह से हैं और वो अप्लाई करना चाहते हैं, तो गाइस तो ये आप अप्लाई अभी फिलहाल नहीं कर सकते हो। बात करें एज की, तो एज है 18 to 28 ईयर्स। और अगर आप एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट हैं, अगर आपके पास ऑलरेडी फ्लाइंग एक्सपीरियंस है, तो आपकी जो अपर लिमिट एज है वो है 35 ईयर्स। मिनिमम हाइट जो है 156 है फीमेल के लिए और 170 है मेल के लिए। इसका मतलब ये है कि अकाशा एयरलाइंस मेल और फीमेल दोनों कैबिन क्रू हायर करेगा। बात करें एजुकेशन की, तो मिनिमम एजुकेशन होनी चाहिए 12th और फ्लुएंट होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश एज पर देयर रिक्वायरमेंट। बात करें बीएमआई की, तो बीएमआई का जो रेंज है वो 18 to 22 होनी चाहिए प्रोपोर्शनेट टू द वेट, और जो कि डीजीसी की गाइडलाइंस भी है उसके हिसाब से आपका बीएमआई होना चाहिए। बात करें टैटू पॉलिसी की, तो इनका भी जो पॉलिसी है वो सेम है, नो टैटू एंड विजिबल मार्क्स ऑन द विजिबल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो दिस वाज इट गाइस फ्रॉम माय साइड, दिस इज नितिन सिंह साइनिंग ऑफ। बट बिफोर that please subscribe to the channel and also don't forget to like this video and share it with your friends. Jai Hind.